यो मारा कैसे भारत गारत हो गया। सब दुनिया के नर नार सुनो, गौ माता जाके रोई मेरी विनती कृष्ण मुरार सुनो। कैसे भारत गारत हो गया, मिल के सब नर नार सुनो, गौ माता जाके रोई विनती कृष्ण मुरार सुनो। कैसे भारत गारत हो गया, मिलके सब नरनार सुनो, गौ माता जा कह रोई मेरी विनती कृष्ण मुरार सुनो। द्वापर का जमाना था, किस प्रकार से गायों की सेवा होया करती थी, कितनी संख्या गौ माता की थी, आज कितनी रह गई है, क्या लिखा। छान में करोड़ गिनती मारी थी, छान में करोड़। कभी द्वापर के जमाने में गौ माता की गिनती होया करती, क्या बात है, आज कितनी रहेगी। चुकर गौ माता के अंगों का व्यापार किस प्रकार से किया जाता है, पहली कड़ी में क्या लिखा। छान में करोड़ कभी कहते थे, छान में करोड़ कभी कहते थे, इस भारत में गिनती मारी, आज करोड़ छे बाकी रहेगी, 90 करोड़ गई मारी रे, आज करोड़ छे बाकी रहेगी, 90 करोड़ करोड़ न दूध दे सके लंगड़ी लुल्ली और हारी, आध करोड़ गौ रानी फिरती वेत जंगलों में रहती न्यारी, आध करोड़ रानी फिरती जंगलों में रहती न्यारी, मेरा 2.5 करोड़ बच्ची आखिर में रहो, 2.5 करोड़ बच्ची मरती 4000 सुनो। कैसे भारत गारत हो गया, लाल जी ने 100 रुपए से मान सम्मान के अंकल जी का बार बार धन्यवाद। दूसरी कड़ी में क्या लिखा। छान में करोड़ कभी कहते थे, भारत में गिनती मारी, आज करोड़ 6 बाकी रहेगी, 90 करोड़ गई मारी, 3 करोड़ ना दूध देश के लंगड़ी लुल्ली और हारी, आध करोड़ गौ रानी फिरती जंगलों में रहती न्यारी, आज 2.5 करोड़ बची आखर में नित मरती 4000 सुनो। कैसे भारत गारत हो गया, दुनिया के नरनार सुनो। दूसरी कड़ी में नू बताया कि किसी जमाने में हर एक मानस के हिस्से में कितना दूध आता था, कितना दूध आज रह गया, किस प्रकार से। दूसरी कड़ी में क्या लिखा।
हर मानस के, हर मानस के हिस्से में रे, हर मानस के हिस्से में नो शेर दूध कभी आता था, इस कारण घी दूध दही का देश खान कहलाता था। तेरा हष्ट पुष्ट बलवान व्यक्ति दुन मेरे दूध में पाता था, मेरे भाव की अग्नि को ये दिल से दूर भगाता था रे, मेरे भाव की अग्नि को ये दिल से दूर भगाता था। जदो मासे सर दूध गऊ करे ओ, दो मासे से दूध गऊ का उसका मान सुहकदार सुनो, कैसे भारत का में नो शेर दूध कभी आता था, इस कारण घी दूध दही की ओ देश खान कहलाता था। आज दो मासे सा दूध गऊ का उसका मानस अकदार सुनो, यो कैसे भारत गारत हो गया दुनिया के नर नार सुनो। तीसरी कड़ी में नू बताया कि गऊ माता के बछड़ा बछड़ी की के साथ क्या हालात गुजरे। तीसरी कड़ी में क्या लिखा, बारह साल उम्र मेरी औसत दस बछड़ा बछड़ी जाए, 8000 के 8 बेच दिए दो फिर सुते करवाए नर, 8000 के 8 बेच दिए करवाए। सारी उम्र सारी जमानी खेत कमाया, दिन और रात खूब बाहे, पिटते 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 बुढ़े हो गए फिर नाथ काट करते ताहे रे, पिटते पिटते बुढ़े हो गए नाथ काट करते ताहे। फिर 5-7 लेकर के पुतड़ो, 5-7 लेकर के पुतड़ा मैं कर दिए जमना पार सुनो, कृष्ण मुरार सुनो, कैसे भारत भारत होगा। आपके बीच में 3 कड़ी इस रागनी की रख दी, एक भी बात अच्छी लगे पर जोरदार ताली बजा के मेरा हौसला अफजाई कर दो। लास्ट कड़ी में रागनी का निचोड़ भी करा। शाबाश सरदारों, कहते हैं कि इस गौ माता की पवित्र देह में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन आज गौ माता की हर एक बॉडी का, बॉडी पार्ट का, हर एक अंग का किस प्रकार से व्यापार किया। चौथी कड़ी में रागनी का निचोड़ भी करया, बहुत अच्छी बात लिखी। क्या लिखा, बछड़े बेचे
बछड़े बेचे मैं भी बेची, बछड़े बेचे मैं भी बेची, फिर दूध दही सुबह शाम बिक्या, ले हाथे में पीट पीट के सुजा सुजा मेरा जाम बिक्या रे, ले हाथे में पीट के सुजा सुजा मेरा जाम सुजा, मेरा हाड कहीं और मांस कहीं मेरा गोबर तलक तमाम सुड़ा, काठी बाग काठी बैग बूट पक से न्यू कुरुम फ्लेक्स मेरा नाम भी क्या रे, काठी बाग बूट पक से न्यू कुरुम फ्लेक्स मेरा नाम सुड़ा, हिर के जगदीत कोई ना सुनता रे ओ, कह जगदीत कोई ना सुनता इतना अत्याचार सुनो, कैसे भारत कारत हो गया सब दुनिया के नर नार सुनो।